मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रही है? 1 मिनट रुको, आप लोग बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ भाई, आवाज पहले नहीं आ रही थी। स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग, सॉरी मैं ध्यान नहीं, मैं चैट बॉक्स नहीं देखा ना, पढ़ा तेरे। ओके अब ये सुनो, जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो और वो जीरो आ जाता है, तो बताओ इसको जीरो बनाने वाला कौन है? इन दोनों ने तो जीरो बनाया है नहीं, क्योंकि ये तो वेक्टर की लेंथ है, ये इस थीटा की वजह से जीरो बना। अब बताओ साइन थीटा जीरो किस किस एंगल पे होता है? जीरो पे, 180 पे। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा तो आपके दो कंक्लूजन हो सकते हैं, राइट, या तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है और या फिर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे से याद रखेंगे, जब मैं आपको बोलता हूं दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या चीज यूज करते हो? डॉट प्रोडक्ट। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है परपेंडिकुलर के केस में। अगर मैं बोलूंगा मुझे प्रूव करके दिखाओ ए और बी पैरेलल है, तो आप क्या कर सकते हो? क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो शो कर सकते हो। कोलिनियर शो करना है तो भी क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो शो कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब आप मेरे को आई क्रॉस आई बताएंगे, ए क्रॉस ए जीरो होता है तो जल्दी से बता दो, जीरो, और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जीरो। तो कोई भी आई जे के में से अगर सेम क्रॉस में आएगा तो डायरेक्ट जीरो लिखेंगे। जरा आई डॉट आई बताओ याद करके, आई डॉट आई वन, आई डॉट जे बताना जीरो, क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का, तो जीरो परपेंडिकुलर होते हैं। अब जरा ये देखो, अगर हम आई के साथ जे का क्रॉस निकालते हैं, के कैसे देखो, के यहां आई हो गया यहां जे हो गया, मान लो ये आई है और ये जे है, तो यहां पर आएगा आई का मैग्नीट्यूड 1, यहां पर आएगा जे का मैग्नीट्यूड 1, यहां पर क्या आएगा? आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो साइन 91, ये सब तो 1 बन गया, खाली क्या बचा? एन कैप। ये कैसे वेक्टर होता है एन कैप? इन दोनों पे क्या होता है? ये परपेंडिकुलर। एक ऐसा वेक्टर बताओ जो यूनिट हो और आई और जे पे परपेंडिकुलर भी हो, वो तो के कैप होता है, इसलिए आई क्रॉस जे के कैप। इसी तरह से जे क्रॉस के आई कैप, इसी तरह से के क्रॉस आई जे कैप। और अगर इसको रिवर्स करके लिखोगे आई क्रॉस जे को जे क्रॉस आई को माइनस के, इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी होता है, एक सर्कल बनाओ एग्जाम में, ऐसे लिख लो आई जे के, सर्कल को ऐसे घुमाते हुए, और इससे पता लगा लो, देखो आई क्रॉस जे अगला जो है वही होगा के, तो आई क्रॉस जे के हो गया, के क्रॉस आई चाहिए तो अगला जो है वो होगा तो जे, तो के क्रॉस आई जे हो गया, जे क्रॉस के आई हो गया। उल्टा चलो, उल्टा चलना है, मान लो जे क्रॉस आई आ जाओ, क्या रहा आगे तो माइनस के हो जाएगा, उल्टा चलो, तो ऐसे यूज कर सकते हो इसको। नोट करो, अभी मैं रब करूंगा, बोर्ड पे जगह खत्म हो गई, ये कर लिए सारे नोट, ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है बस, क्वेश्चन तो इसका सॉल्व कराओगे एग्जाम में 100%। इधर आपने नोट कर ली सबने? यस सर। ओके, तो मैं ऊपर की दो तीन रब कर देता हूं। अब सपोज करो आपको एक वेक्टर इस तरह से दे दिया जाए, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, और एक आपको ऐसे ही बी वेक्टर दे दिया जाए, बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, बी थ्री के कैप, और आपको ये कहा जाए ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो बेटर है डिटरमिनेंट से निकालने, वरना बिना उसके भी निकाल सकते हैं, सिंपल है, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट इन तीनों के साथ कर लो, तीनों के साथ, तो क्या आएगा देखो, पहले आएगा ए वन मल्टीप्लाई बी वन, वो तो ए वन बी वन लिख देंगे, क्या आएगा आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई क्या होता है भाई? आई क्रॉस आई, तो पहला वाला तो जीरो हो गया, हटा दो उसको, फिर ए वन बी टू, अब क्या आएगा I क्रॉस J, या I क्रॉस J क्या होता है? K, तो क्या आएगा A1 B2 के साथ K कैप, फिर इसी का क्रॉस इससे निकालो, बताना क्या आएगा, इसका क्रॉस इससे निकाल के बताओ, लास्ट वाले से पूरा बताओ ना, A1 B3 और I क्रॉस के सर्कल से देखो माइनस J कैप होता है, ये कंफ्यूजिंग है काफी, क्या प्लस कम माइनस, तो आपने जो बताया वही करते हैं, इसको हम डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालें, फर्स्ट रो में रखेंगे आई जे के,
सेकेंड रो में ए के कोफिशियंट्स आई जे के वाले यहाँ ए वन ए टू ए थ्री, फिर बी के कोफिशियंट्स उसके नीचे बी वन बी टू बी थ्री, और इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे जैसे डिटरमिनेंट किया जाता है एक्सपेंड। एक बार एक्सपेंड करना भी देख लो, जब आप एक्सपेंड करोगे सबसे पहले आई कैप लिखो, ठीक है, आई कैप लिखा, ये वाली रो हटा देंगे, ये वाला कॉलम हटा देंगे, इलिमिनेट कर देंगे, ये चार नंबर बचेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले ए टू को बी थ्री से करना है, फिर बीच में हमेशा माइनस लगेगा, फिर ए थ्री को बी टू से करेंगे, ये सॉल्व करके जो भी आएगा आई कैप का कोफिशियंट होगा। उसके बाद लिखेंगे जे कैप, लेकिन उसको आपको माइनस जे कैप लिखना है क्योंकि इसका जो कोफैक्टर होता है वो साइन चेंज करता है। फिर माइनस जे कैप के साथ क्या होगा, बीच वाली रो कॉलम जाएगा, ऊपर वाली रो जाएगी, ए वन मल्टीप्लाई करेंगे बी थ्री से, ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस लगाएंगे, बी वन को ए थ्री से करेंगे, और फिर आपका आएगा आखिरी में के कैप, वो प्लस का आएगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। इस तरह से ये सॉल्व करके आपका एक वेक्टर आ जाए, ये वेक्टर ही है ना, देखना ये स्केलर तो नहीं है कहीं, ये पूरा वेक्टर है भाई, आईजे के आ रहे हैं ना। अब इसकी भी खास बात सुनो, मैंने मान लिया ये जो वेक्टर आएगा इसको नाम रखेंगे आर वेक्टर, कुछ नहीं आएगा भाई। इस आर वेक्टर की एक खास बात होगी, ये जो क्रॉस करके वेक्टर आएगा ना, ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी को हमने क्या मान लिया भाई, ये आर वेक्टर आएगा। तो आर वेक्टर की खास बात क्या है, आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये बड़ी खास बात है, इसके हम काफी क्वेश्चंस करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले आप नोट कर लो फिर बोलूंगा मैं, ताकि ध्यान मेरी तरफ दो। डिटरमिनेंट को ध्यान से एक्सपेंड करना, प्लस माइनस में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत मिस्टेक पाई जाती है। ए क्रॉस बी अगर आई जे के कंपोनेंट्स में गिवन हुआ तो हम डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे, पहली बात ये रहेगी हमारी। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपको एक वेक्टर मिलेगा जो आई जे के की फॉर्म में होगा, एक नया वेक्टर होगा, बॉडी बहुत अच्छी है, बढ़िया मसल्स। और उसके बाद जब ये वेक्टर आ जाएगा तो उसकी खास बात क्या है, देखो ये जो वेक्टर होगा ना, ये जो आएगा ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में नहीं होंगे, ये जो वेक्टर होगा वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या बताओ, अगर मैं आपको कहूंगा कि मेरे को चेक करके दिखाओ आर वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, तो कैसे चेक करोगे आप, डॉट प्रोडक्ट। जब भी मैं आपको बोलूंगा मुझे दो वेक्टर चेक करके बताओ परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आर वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर, और मैं कह रहा हूँ चेक करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे चेक करने के लिए, आप आर का और ए का क्या निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट, और बताओ क्या आएगा आंसर, डॉट प्रोडक्ट में आंसर क्या आएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो जीरो आएगा, जीरो। इसी तरह से जब मैं कहूंगा मेरे को आर के साथ बी को भी चेक करके दिखाओ जरा, आप कह रहे हो आर परपेंडिकुलर है दोनों पर और मुझे वेरीफाई करके दिखाओ, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे आप, इस आर वेक्टर का इन दोनों के साथ अलग अलग क्या निकाल के दिखाओगे मुझे, डॉट प्रोडक्ट। तो जब वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, लेकिन अगर इन दो वेक्टर पे मुझे एक तीसरा वेक्टर परपेंडिकुलर चाहिए जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसके लिए हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बात सही में आती है, नोट करो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लिखो। अभी और प्रॉपर्टी है, अभी बीच में रोक रहा हूं, दो तीन प्रॉपर्टी और है, बाद में बताऊंगा, आप चाहो तो हाफ पे छोड़ देना अगर छोड़ना चाहो तो। फाइंड अ वेक्टर, नहीं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both, ये 2 marks का question होगा, find a unit vector which is perpendicular to both a vector plus b vector and a vector minus b vector। एक ऐसा vector आप पता लगाएं जो unit हो और इन दोनों पे perpendicular हो, where a vector given है i plus j minus 2k और b vector given है 2i minus 2j plus k। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो और इस पे भी परपेंडिकुलर हो, तो अगर आपको इन दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो आपको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है।
तो सॉल्यूशन स्टार्ट करो आप लोग मेरे साथ। सबसे पहले तो ए और बी को प्लस करके बताओ ये क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके बताओ। थ्री आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, थ्री आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये तो हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, सिंपल प्लस कर दिया। अब मुझे आप बताओ ए माइनस बी क्या आ रहा है, ए में माइनस आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस थ्री के कैप, माइनस थ्री के कैप, बिल्कुल ठीक है, ये तो काम सब लोग कर ही लेंगे ना, माइनस कर लिया। अब क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ये तो आपको याद रखना है ना कि मुझे अगर इन दोनों पे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो भाई इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे इसके बाद अब ए प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी वेक्टर से। उसके लिए यहाँ पे तैयार करेंगे डिटर्मिनेंट, यहाँ इसकी फर्स्ट रो में लिखेंगे आई जे के, सेकेंड रो में ये वाले कोफिशियंट्स लिखेंगे आई का थ्री, जे का माइनस वन, के का माइनस वन, और थर्ड रो में लिखेंगे इसके कोफिशियंट्स माइनस वन थ्री माइनस थ्री। और अब इसको ध्यान से एक्सपेंड करेंगे, डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करेंगे। तो पहले लिखेंगे आई कैप, आई कैप के साथ ध्यान से मल्टीप्लाई करना, बहुत ध्यान से, थोड़ा धीरे चलना पड़े चाहे। फर्स्ट कॉलम गया, फर्स्ट रो गई, माइनस वन इंटू माइनस थ्री थ्री हो गया, मैंने थ्री लिख दिया, देखो माइनस लगाया इसके बाद, और जब थ्री इंटू माइनस वन कर रहे हैं तो वो माइनस थ्री आ रहा है, तो इस माइनस थ्री को प्लस थ्री कर, मैं चाहता तो इसको सिक्स आई लिख सकता हूँ, मेरी तो प्रैक्टिस में है, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ अभी आपके लिए। उसके बाद जे कैप आएगा, लेकिन साइन चेंज करेंगे, माइनस जे कैप लिखेंगे। अब माइनस जे कैप के साथ देखो कैसे जाएगा, थ्री इंटू माइनस थ्री किया तो थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन हो गया, ये बीच में हमने लगा दिया माइनस। उसके बाद अब बताओ अब क्या मल्टीप्लाई करूं, ये तो इससे हो गया ना ऐसे, माइनस वन इंटू माइनस वन ये वन हो गया, तो बीच का माइनस माइनस रहेगा। फिर के कैप के साथ आ जाओ, प्लस के कैप ये आएगा, पहले तो थ्री इंटू थ्री नाइन आएगा भाई, फिर बीच में माइनस लगा दो, फिर ये माइनस वन इंटू माइनस वन ये वन हो गया। अब जरा सॉल्व करके बताओ क्या आया, ठीक है, मैं इसको एक नया नाम दे रहा हूँ, ये नया नाम है जी सी वेक्टर है मान लो, ठीक है ना, नया नाम दे देते हैं, क्या आ रहा है ये सिक्स आई कैप फोर जे कैप, कैसे टेन हो गए ना ये तो, प्लस टेन जे कैप, और ये कितना आ रहा है। अब आपको मालूम है ये एक ऐसा वेक्टर आ चुका है जो इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है, हम चेक करके नहीं दिखाएंगे, टीचर को चेक करना है करने दो, और आपको मैं वर्बली चेक करके दिखाता हूँ। देखो सिक्स इंटू थ्री एटीन, टेन इंटू माइनस वन माइनस टेन, और एट इंटू माइनस वन माइनस एट, आया जीरो भाई, एटीन माइनस टेन माइनस एट आ तो रहा है जीरो, तो शो हो रहा है ये जो सी वेक्टर है इस पे परपेंडिकुलर है, और ये जो सी वेक्टर है ना इस पे परपेंडिकुलर भी है, हम चेक नहीं कर रहे हैं वैसे, क्या ये यूनिट भी है, बनाना पड़ेगा, ये यूनिट थोड़ी है कोई, कैसे बनाते हैं यूनिट याद करके बताओ। सर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, राइट, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो हमारा फाइनल आंसर होगा, डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड रख दो, वर्बली कर लो, छह का छत्तीस, आठ का चौसठ, छत्तीस और चौसठ सौ, सौ प्लस सौ दो सौ, दो सौ का स्क्वायर रूट हो गया टेन रूट टू, ये लो, इसको चाहो तो आप एक फाइनल आंसर में छोड़ सकते हो, और कुछ करना चाहते हो तो बताओ, करें बोलो, कुछ हो सकता है क्या इस आंसर में। टू यहां से कॉमन लेके नीचे इसको फाइव रूट टू बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर। ये हो जाएगा थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस फोर के डिवाइडेड बाय फाइव रूट टू, यहाँ पे हम आंसर को छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ेंगे कोई गलत नहीं, मैं कम से कम दो तीन क्वेश्चन आपको यही वाले देने जा रहा हूं। ऐसा वेक्टर मैं आपसे बार बार पूछूंगा जो दो गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, तो आप क्या करेंगे उन दोनों का हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लो, ये टू मार्क्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जैसा ही, बस मैंने डिजिट चेंज कर दिए। भाई बोले क्लियर हुआ, लिखो एक और क्वेश्चन ऐसा, अब आप ट्राई करो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, अब ये लिख लेना परपेंडिकुलर टू बोथ के बाद, ए वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर, एंड दूसरा है टू ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, इस बार परपेंडिकुलर इन दोनों पे चाहिए, ए प्लस टू बी एंड टू ए माइनस बी, वेयर ए वैक्टर इज इक्वल्स टू, वेयर ए वैक्टर इज इक्वल्स टू
थ्री आई माइनस जे माइनस टू के एंड कॉमा बी वेक्टर इज इक्वल्स टू टू आई प्लस थ्री जे प्लस के, ये ए और बी है। चलो जी आंसर निकाल के दिखाओ। इन दोनों पे चाहिए परपेंडिकुलर वेक्टर, इन दोनों पे वेयर ए और बी मैंने आपको लिखी दी। दिखाने की इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर भेजो पहले तो, अगले स्टेप में सेक स्क्वायर एक्स बनाओ। बनाया, बना लो कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर भेज के सेक स्क्वायर एक्स बना लो। ठीक है, यहाँ लिख लेते ना सेक स्क्वायर एक्स। चलो कोई बात नहीं, देख लो नीचे सेम रहने तो वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, नहीं टेन एक्स का होल स्क्वायर है sec square x dx लिखो यहाँ पे, इंटीग्रेशन का साइन बनाओ। अब बताओ sec square x किसका डेरिवेटिव होता है? तो हम देखो नीचे दिख भी रहा है tan x भी है नीचे, तो इस पूरे को t मान लो ना, 1 minus tan x को t मान लो, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, दिक्कत नहीं होती। 1 minus tan x को t मान लो। अब जरा डिफरेंशिएशन करो इसका, अब आ जाओ वापस क्वेश्चन में। पहले 2a a plus 2b निकाल लिया, ठीक है पहले a प्लस टू भी निकालना है, उसके मार्क्स अलग से होंगे, 2a माइनस बी के मार्क्स भी अलग से होंगे, फिर क्रॉस के अलग से होंगे। सर रिड्यूस करके बताओ या ऐसे ही? पहले मुझे क्रॉस प्रोडक्ट चेक करवा दो एक बार, मैं वो लिख लेता हूं। माइनस 25 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 35 माइनस 55 k कैप माइनस 55 के कैप। ओहो काफी बड़ा है वेक्टर, देखना यही आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से। हाँ अभी यूनिट नहीं बनाया हमने इसको, अभी ऐसे लिखा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करके ये सबका मैच होना चाहिए, देखो ये अलग नहीं हो सकता। ए प्लस टू बी तो 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 0 के कैप, 2 ए माइनस बी 6 माइनस 4 आई कैप माइनस फाइव जे कैप, ठीक है, और टू ए माइनस बी माइनस फोर माइनस फाइव कैप आएगा ना भाई, माइनस फोर में से माइनस वन करोगे माइनस, तो माइनस फाइव हो गया ना। ध्यान से करो, देखो प्लस माइनस में गलती मत करो भाई, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। फिर यही आ रहा है ना, अब इसको बनाओ यूनिट। अब इसको बनाना है यूनिट वेक्टर, ये आ तो गया है देखो परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर लेना, डिटरमिनेंट को ध्यान से एक्सपेंड करने वाली बात है, और प्लस माइनस की गेम वो अपना ठीक रखा करो भाई। अब ये ना काफी बड़े बड़े नंबर है, 48 कर भी लिया। चलो मैं उसको नाम दे रहा हूँ सी कैप। सर अंडर रूट में 4875 आ रहा है। 4875 छोड़ दो या तो, वैसे तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, माइनस 25 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर और माइनस 55 यानी 55 का स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर तो खोले नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं इतना एग्जाम में, मैं एक काम ये कर सकता हूँ, ये तो सेम लिख लेते हैं। तीनों में से कुछ कॉमन नंबर नहीं नजर आ रहा, तो 5 का स्क्वायर बाहर कॉमन लो, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर कॉमन लोगे तो खाली 5 निकल के आएगा बाहर, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ गया वो। और यहां पर क्या रह जाएगा, 5 यानी 5 का स्क्वायर ये बचेगा, 7 का स्क्वायर ये बचेगा और 11 का स्क्वायर ये बचेगा। भाई अगर कॉमन है तो ले लो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, बाकी अब इसको सॉल्व कर लो, ये 25 ये 49 और ये 121 195 हो गया। 5 यहां से कॉमन लेके इस 5 को कैंसिल कर दो, तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं देखो, माइनस 5i प्लस 7j माइनस 11k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 195। ये ठीक है, ये हमने सिंपलीफाई कर दिया अपने आंसर।
मार्क्स तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी देखो अगर हो रहा है तो कर दो। बोर्ड में पता नहीं आपकी कॉपी किसके हाथ में किस स्टेट में पहुंच गई है, कोई टीचर कैसे मूड में बैठे हैं कुछ नहीं पता होता। एक और करेंगे फिर टॉपिक चेंज करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई। तो ऐसा वेक्टर जो गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ अच्छे से याद कर लो इस बात को, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 49। इस बार यूनिट नहीं चाहिए, इस बार मैग्नीट्यूड चाहिए 49। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 49 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अब वो वेक्टर्स लिखो, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 6k, एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i माइनस 6j प्लस 2k। इन दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए और मैग्नीट्यूड 49 होना चाहिए, वो बाद में देखेंगे। पहले बताओ इन दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए क्या कर रहे हो? इस बार सीधा सीधा क्रॉस कर दो, इस बार तो ना कोई प्लस करना ना कुछ माइनस करना, तो सीधा सीधा ए और बी का क्रॉस निकाल दो। क्वेश्चन की वेटेज होगी 2 मार्क्स, इसके पहले वाले जो 2 आपने किए उन दोनों की 3-3 मार्क्स हो सकती है। ध्यान से एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट को। क्या वो दिशांत वाला दिखाओ पहले, वाला दिखाओ पहले कैसे किए। तो देखो ये तो ठीक है, चलो तुमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया माइनस आ गया, लेकिन ये होल स्क्वायर है ना, टी थोड़ी लिखेंगे कोई, भाई टी स्क्वायर तो लिखेंगे ना, तो 1/t² का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 1/t² का इंटीग्रेशन माइनस 1/t होता है। देखो अगर तुमने टी लिखा था तो तुम्हारा लॉग टी आना चाहिए था, तुम्हारा क्यों आया टी है ना, हाँ तो वो ठीक था, लेकिन तो होल स्क्वायर था ना, इसलिए 1/t हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/t, उसके बाद यहाँ पर इसमें आ जाओ, ये रूट के अंदर है ना, तो एक्स को क्या मानेंगे टी स्क्वायर, ताकि रूट से बाहर आ जाओ, डिफ्रेंशिएशन बोलो एक्स का 1, साथ में डी ए इसका बोलो 2t, साथ में डी टी, आ जाओ वापस यहाँ पर, ये आ गया वापस, ये कॉस कॉस रहेगा, इसको टी स्क्वायर मानेंगे तो टी बन जाएगा, नीचे भी यही है ये भी टी बन जाएगा, और जो यहाँ पे dx होगा उसकी वैल्यू ये लिख लो। अब बताओ कुछ कैंसिल नजर आ रहा है क्या, t से t कैंसिल करें, 2 को बाहर डाल देते हैं, खाली क्या बचा cos t बचा, cos t का इंटीग्रेशन कर देते हैं sin t होता, t को वापस पुट कर दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतना इतना कर रहे हो धीरे धीरे जो आया जरा लिखते हैं, चलो ये t स्क्वायर माना ठीक है, डिफरेंशिएशन ये आ गए, अब यहाँ पे t स्क्वायर माना तो t बन गया, और देखो cos tx dx की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे गलती क्या है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कहाँ गया, क्या रह गया बताओ, 2t गया था, ठीक करो, लेकिन तुम ठीक करते हो तुम्हारा आंसर भी आएगा, देखो करो कोई बात नहीं, ये तो सीखना है बेसिक एक बार फिर। हाँ जी क्या हुआ, आया नहीं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो निकाल लिया होगा ना, क्या रहा है, यस सर, 42i कैप प्लस 14j कैप माइनस 21k कैप, ठीक है ये आ गया, इसको सी वेक्टर नाम दे देते हैं, सबका ये आ रहा है चेक करो, यस सर, ये सभी ना रहे, नहीं सर माइनस 21 नहीं आ रहा, माइनस 21 नहीं आ रहा, एक बार देखो सुशांत 7 को नहीं आ रहा, ध्यान से करो, मैं बार बार कह रहा हूँ स्पीड को स्लो कर लो, स्पीड को वहां स्लो कर लिया करो जहां पे आपको गलत होने के चांस नजर आए, बाकी स्पीड रखनी है बिल्कुल गोली की तरह। इसका मैग्नीट्यूड 49 है ना, नहीं है, कैसे बनता है मैग्नीट्यूड 49 सर, सी कैप निकाल के इनटू 49, राइट, अगर इसका मैग्नीट्यूड 49 बनाना है तो इस वेक्टर को पहले तो डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड में क्या आएगा 42 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, ये बन गया यूनिट, अब और हमें चाहिए 49 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 49 से, यूनिट नहीं, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 49, यूनिट बना के ही तो मल्टीप्लाई करोगे 49 से, सर मैग्नीट्यूड भी 49 आ रहा है, वो अलग बात है कि इसका मैग्नीट्यूड ही 49 आ रहा है, अलग भी तो आ सकता था ना, अब इसमें से क्या कॉमन लोगे, 7 स्क्वायर कॉमन लोगे, बाहर आके क्या बन जाएगा 7, ये मेरा सेम है, देखो ये मैंने सेम लिखा,
49 मल्टीप्लाई में सेम लिखा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर बाहर कॉमन दिया, 7 आ गया, अंदर क्या बचा 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4 हो गया और ये 3 स्क्वायर 9 हो गया। इस वाले 7 ने इस वाले 49 को कैंसिल करके 7 बना दिया। ये स्क्वायर रूट सॉल्व करना, ये कितना आ रहा है, ये भी 7 आ रहा है। तो लो इस 7 ने इस 7 बचे हुए 7 को भी कैंसिल करा, इसका मतलब जो वेक्टर आया था उसका मैग्नीट्यूड पहले से ही 49 था, हमको पता नहीं था लेकिन वो पता चला क्योंकि ये सेम ही आ गया ना। ये तो 42i plus 14j minus 21k, यही आपका आंसर हो गया। नहीं नहीं नहीं, अलग आ सकता था, ये तो एक कोइंसिडेंस है कि आपने जो वेक्टर बनाया उसका मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली 49 आ गया, अलग भी आ सकता था भाई। अब बताओ क्या ये क्लियर हुआ आपके दिमाग में, अच्छे से बात फिट हो गई ये वाली? तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, कम से कम 5 बार बोर्ड में आया हुआ होगा, हम ऐसे 3 करेंगे। लिखो क्वेश्चन, बताता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन है। हाँ लिखो, ये वेक्टर गिवन है, लिख लो आई प्लस 4j प्लस 2k, आई प्लस 4j प्लस 2k, फिर कॉमा करके लिखो बी वेक्टर, बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 7k, एंड सी वेक्टर, एक और तीसरा भी गिवन है, सी है 2i माइनस j प्लस 4k। ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं क्वेश्चन में पहले से। फाइंड a vector b vector which is perpendicular to both a vector and b vector and c vector dot d vector is equals to 15। ये एनसीईआरटी मिसेनियस का क्वेश्चन है, ऑलरेडी 4-5 बार बोर्ड में दे चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये 4 नंबर से नीचे नहीं होता लेकिन अब ये 3 नंबर में डाल सकते हैं इसको, बाकी जब भी आया 4 मार्क्स में आया। पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे ना, 1 मार्क 2 मार्क 4 और 6, जब 80 नंबर के ऊपर होता था, अब चेंज हो गया पैटर्न। अच्छा चलो इस कंडीशन को छोड़ दो, सी डॉट डी 15 है, इसको एक मिनट छुपा लेता हूँ, समझो क्वेश्चन में नहीं। तो क्वेश्चन की पहली कंडीशन क्या है बताओ, ए और बी का डिटरमिनेंट, राइट। ए और बी पे आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर है, जिसका नाम क्या है, डी वेक्टर। तो कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो आधा क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करो, यहाँ लिखो लेट डी वेक्टर, हम जो डी वेक्टर है वो कैसे निकालेंगे, ए और बी के क्रॉस से निकालेंगे। चलो अब आप फटाफट से जरा ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करो, ए और बी का ध्यान से, 1, 4, 2, 3, -2, 7 एक्सपैंड करो, 32i कैप माइनस j कैप माइनस 14k कैप, 32i कैप माइनस j कैप माइनस 14k कैप, ओके माइनस j कैप। भाई चेक कर लो सब लोग, सबका सेम ही होना चाहिए, एक बार चेक कर लो। तो ये ऐसा वेक्टर है जो क्वेश्चन की पहली कंडीशन को 100% सेटिस्फाई कर रहा है, 32i कैप माइनस j कैप माइनस 14k कैप, ठीक है। अब ये बताओ, पहली कंडीशन तो ठीक है भाई, हम वेरीफाई नहीं करके दिखाएंगे टीचर को, उन्होंने बोला है परपेंडिकुलर होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं हाँ परपेंडिकुलर है, टीचर को चेक करना है, करने दो, आप मत करो। लेकिन क्या इसका डॉट प्रोडक्ट जब भी सी से निकालेंगे तो चेक करो क्या 15 ही आ रहा है, निकाल के देखें जरा एक बार, सी और डी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जरा निकालो डॉट प्रोडक्ट, ये 2 × 32 से करो, कितने हो गए 64 हो गए, और -1 × -1 +1 हो गए, और 4 × -14 माइनस का 56 हो गया, कितना हो गया देखना, ये C dot D हमारा कितना आ रहा है, 9 नहीं आ रहा भाई, 65 में से 56 माइनस करो, 9 आ रहा है। आपको कितना चाहिए था, आपको तो 15 चाहिए था, ये तो 15 नहीं आ रहा, तो आप कहोगे मेरा आंसर तो गलत है। अब सुनो इसी को कैसे चेंज करेंगे, इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। देखो मेरे को ना इस 9 को 15 बनाना है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा, मुझे इस 9 को 15 बनाना है, तो पहले मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या बन गया मान लो, ये डिवाइड करके 9 से 1 बन गया, अब मुझे 15 बनाना है तो कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 से। तो छोटी सी कहने की बात ये, आपने टीचर को दिखा दिया, देखो जी सी डॉट डी मेरा 9 आ रहा है, टीचर कहेंगे हाँ ठीक है 9 आ रहा है, हमें तो 15 चाहिए,
अब लिखोगे देयरफॉर जो डी वेक्टर है उसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं, ये जो डी वेक्टर है ना, क्या बताया मैंने क्या करना है, डिवाइड 9 और मल्टीप्लाई किससे, तो 15/9 से अपने डी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो बस, ये लो ये आंसर, और इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व हो रहा है देखो, 3 से 5 और 3 से 3, 5/3 को अंदर डाल दो, 32/5 = 160/3 i कैप और 5 into j मतलब -5/3 j कैप और 14/5 = 70 - 70/3 k कैप, ये लो जी, ये वो है डी वेक्टर जिसको ढूंढ रहे थे। तो क्या किया हमने, बहुत आसान कर दिया हमने क्वेश्चन को, 4-5 छोटे स्टेप में खत्म भी कर दिया 4 नंबर का क्वेश्चन। क्या किया, पहले तो ए और बी का क्रॉस निकाल दिया, ये ऐसा वेक्टर आ गया जो ए और बी पे परपेंडिकुलर है, टीचर को हमने दिखाया देखो जी ये डी है, इसका हम सी से डॉट निकाल के दिखा रहे हैं, हमने देखा तो 9 आ रहा है, हमने कहा अच्छा 9 आ रहा है, 15 चाहिए आपको, तो हमने अपने इस डी वेक्टर को डिवाइड 9 और मल्टीप्लाई 15 करना है बस, तो ये वो डी वेक्टर बन के आ गया सामने, ये दोनों क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, हाँ बोलो श्रीराम, बोलो सर, हम ऐसा कर सकते हैं कि सी वेक्टर इनटू लैम्डा क्रॉस लैम्डा टाइम्स डी वेक्टर इक्वल्स टू 15, सब ऐसे ही करते हैं जैसे आप बोल रहे हो ना, मेरा थोड़ा करवाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन सब लोग ऐसे ही करते हैं जैसे आपने बोला, ये जो डी वेक्टर होता है ना इसको ए क्रॉस बी का लैम्डा टाइम्स लेके चलते हैं। अब वो बच्चा समझ नहीं पाता कि लैम्डा टाइम्स क्यों ले रहे हो भाई, तो मैंने लिया ही नहीं, छोड़ो यहाँ पे कर लेंगे ना लैम्डा जो भी है, बोलो जी क्लियर है, ये वो वेक्टर आ गया है जो क्वेश्चन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको वेरीफाई नहीं करना, टीचर को करना है तो वो अपना वेरीफाई कर ले, क्लियर है, आप मुझे ऐसे दो क्वेश्चन करके दिखा दो, लिखो ए वेक्टर लिखो पहले, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i cap + 5j cap - k cap, 4i + 5j - k, बी लिखो, बी वेक्टर i cap - 4j cap + 5k cap, सी वेक्टर लिखो 3i cap + j cap - k cap, आगे लिखो फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी नहीं है इस बार ध्यान से लिख लेना, सी एंड बी, बी फॉर बॉय, सी वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 21, रिपीट कर दो सारे वेक्टर, देखो दोबारा से, ए वेक्टर मैंने बोला था 4i + 5j - k, 4i + 5j - k, बी लिखो i - 4j + 5k, i - 4j + 5k, फिर सी बोला था मैंने 3i + j - k, हाँ जी बोलो, इसमें मर्जी है, क्योंकि बस होगा क्या, अगर आप लाइन चेंज कर लोगे ना तो इसका साइन बदल जाएगा, लेकिन आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, तो मर्जी है, सी क्रॉस बी निकालो या बी क्रॉस सी निकालो, वैसे देखो मैं आपको सलाह दूं, जैसे उसने बोला परपेंडिकुलर टू सी एंड बी, तो सी को आगे रखो, आप सी क्रॉस बी निकालो, टीचर के ब्लूप्रिंट से मैच करेगा, सर अगर लास्ट में -63 आ रहा था उसको -63 से डिवाइड करके (21), हाँ जी बिल्कुल, अगर -63 आ रहा है तो -6 से डिवाइड करके (21) कर देना बस, सर आ गया, आ गया, तो मुझे एक बार आंसर चेक कराओ, सर -1/3 i cap, ठीक है आगे, +16/3 j cap, ठीक है, +13/3 k cap, पूरा मैच हो गया, ठीक है पूरा, देखो
कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कॉट से स्क्वायर एक्स होगा, तो ये तो नहीं होता उसका डेरिवेटिव। देखने अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, चेक करके देखते हैं, इसको टी मान लिया मैंने, तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स अलग से करेंगे तो कॉस एक्स हो गया, यहाँ डी एक्स, यहाँ डी टी, कॉस अपॉन साइन क्या बन गया, कॉट एक्स। इसका मतलब हमें इसको टी मानना चाहिए, तो हमने इसको टी मान लिया, तो टी लिख दो। ये जो कॉट एक्स और डी एक्स है इसकी वैल्यू देखो, यहाँ से देखिए डी टी, तो खाली किसका इंटीग्रेशन करना है, टी है तो करना है, तो टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, टी को रिकॉल कर लो, log sin x का होल स्क्वायर ऑन टू। नेक्स्ट तो कोई बात नहीं, करते रहो, एक बार जब हो जाएगी एक्सरसाइज में इसको दोबारा से करा दूंगा स्वीट से। अच्छा अभी क्लास है, थोड़े से करके लेना यार, जितने हो जाएंगे वरना हम छूट करेंगे यार, जितने होना उतने कर लाना, नहीं होंगे छोड़ देना, ठीक है? हाँ, क्योंकि करोगे ना तो आगे बढ़ पाऊंगा ना, वरना छूट करेंगे। ये इस बार आपका डॉट प्रोडक्ट आ रहा होगा -63, तो बताओ अपने डी वेक्टर को कैसे मॉडिफाई करोगे, डिवाइड करोगे -63 से, मल्टीप्लाई करोगे 21 से, तो आपका डी वेक्टर हो जाएगा 21 अपॉन -63, और साथ में वो जो क्रॉस आया होगा वो लिख लेना, 21 अपॉन -63, और साथ में वो डी वेक्टर लिख लेना। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना भाई, क्योंकि 21 63 को काट देगा, जैसे यहाँ पे कट गया था 5/3 से। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, मर्जी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, लेकिन अगर सॉल्व होता है ना तो कर लिया करो, देखो अगर कोई चीज सॉल्यूशन सामने है तो उसे कर लो। आंसर लिख रहा हूं मैं, चेक कर लो भाई। आपका जो फाइनल डी वेक्टर आ रहा है वो ये आ रहा है, फाइनल आंसर वाला लिख रहा हूं मैं, इसलिए वो लिख लेना। कहाँ गया, 27 का सेकंड पार्ट, -1/3 आई कैप प्लस 16/3 जे कैप और प्लस 13/3 के कैप, बुक में ये आंसर दिया हुआ है, चेक करो आपसे मैच हो रहा है, ये आंसर है। डन हो गया, एक और करो, अब एक और करेंगे। ए वेक्टर लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम टाइप थर्ड क्वेश्चन, ए वेक्टर नोट कर लो, आई प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर नोट करो, 3i माइनस 2j प्लस k, 3i माइनस 2j प्लस k। अरे यार सॉरी, दूसरा क्वेश्चन दे दिया, ए वेक्टर वापस लिखो, ए वेक्टर वापसी लिखो, ए वेक्टर है i माइनस j, बी वेक्टर है 3j माइनस k और सी वेक्टर है 7i माइनस k। हर एक में एक एक जीरो है, देखो इसमें k जीरो, उसमें i जीरो, उसमें j जीरो, चलो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी डॉट डी इक्वल टू वन, सी डॉट डी वन होना चाहिए। फटाफट से निकालना, अब तो आपको मालूम चल गया क्या करना है। सर आ गया, रुको मैं आंसर चेक करवाता हूँ।
आंसर बोल दो। 1/4 आई कैप प्लस 1/4 जे कैप प्लस 3/4 के कैप। करेक्ट है जी। मैं जल्दी कर लो। आ गया क्रॉसवर्ड, आ गया क्रॉसवर्ड। यार आओगे ना आई प्लस जे प्लस थ्री के, तो इसका सी के साथ डॉट देख लो कितना बन रहा है, फोर बन रहा है, उसको वन बनाना है, तो फोर से डिवाइड और वन से मल्टीप्लाई, तो सीधा सीधा 1/4 रख लो अपने डी वेक्टर के आगे। अच्छा आपने दो टाइप के क्वेश्चन पकड़ लिए आज के, अगर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो दो वेक्टर्स के ऊपर तो हम उनका क्रॉस निकाल लेते हैं। दो क्वेश्चन और कराऊंगा बस नई चीज के ऊपर। पहले आप मेरे को ये बताओ, ये दिखा दिया था मैंने आपको a डॉट b का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस b मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू, नहीं दिखाया। अच्छा मेरे को ये बताओ a डॉट b होता क्या है लिखाने से पहले, a डॉट b सिंपल a डॉट b मॉड a मॉड b कॉस थीटा राइट, ये होता है a डॉट b। और अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये क्या होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड वो n का बटा दो पीछे से बस, क्या रह जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये होते हैं दोनों। अब क्या करना है, दोनों की स्क्वायरिंग करनी है और एडिंग करनी है, ए डॉट बी का होल स्क्वायर ये स्क्वायरिंग हो गई, इसके मैग्नीट्यूड का भी होल स्क्वायर, और इधर इसकी स्क्वायरिंग और इसकी स्क्वायरिंग ऐड करके मुझे फाइनल बता दो क्या लिख दो, करके बता दो। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, फिर से कर लो सिद्धांत दोबारा से एक बार और कर लो, इसकी स्क्वायरिंग प्लस इसकी स्क्वायरिंग, वर्बली है इसलिए कर रहा हूं राइट, टू नहीं आएगा ना सिद्धांत, यही तो आएगा, कैसे आएगा समझ लो चलो है ना भाई, आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर मैं कहूंगा ऐड कर लो चलो, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर ये कॉमन, तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो तो वन हो गया। ये आइडेंटिटी कहलाती है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, नाम मैं नहीं लिख पा रहा हूँ छोड़ो, आपको जरूरत नहीं है, आप इसको जरूर याद रखना, बोर्ड में दो तीन बार इसका क्वेश्चन पूछ चुके हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आइडेंटिटी में डॉट और क्रॉस दोनों का सम्मिश्रण हो गया है, और क्वेश्चन बोर्ड में तुमने ऐसे ऐसे क्यों करके लिखा टेढ़ी नॉट, मैंने कहा ये बोर्ड में आ गया तो ऐसे शख्स से देखा है अनुष्का ने इसमें डॉट और क्रॉस ना दोनों आ रहे हैं, और बोर्ड में ये क्वेश्चन कोशिश करते हैं रखने की जिसमें डॉट क्रॉस दोनों हो जाए, तो ये जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना पिछले वाले ये भी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए डॉट भी है क्रॉस भी है, देखो आप इसको नोट करो, 2 मार्क्स की क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, इस पे कैसे आ सकते हैं अच्छे से याद रखना, भूल जाओगे तो लंबे रास्ते पे निकल जाओगे। लिखो क्वेश्चन, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है और क्वेश्चन आते हैं लेकिन बोर्ड में, बस मुझे ये बात नहीं लगती एनसीईआरटी की। लिखो, गिवन दैट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 10, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है कॉमा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो 2 है, और ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है 12, फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो अगर एंटिटी आती है आपको तो सिर्फ एंटिटी उतारो और इसे वैल्यूज पुट कर दो, करने को है ही क्या, मॉड ए 10 मॉड बी 2 ए डॉट बी 12 फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड।
16 या प्लस माइनस 16, जैसी प्लस माइनस लगाओगे 0.5 काट देंगे भाई। a डॉट b आपका कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड तो निकालना है, ऐसी रखो इधर मॉड a स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई मॉड b में 2 का स्क्वायर 4, तो यहां से आपका a क्रॉस b के मॉड का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 144 256, और ये 16 का स्क्वायर होता है। तो a क्रॉस b खाली 16 लिखना, प्लस माइनस मत लगाना, क्योंकि a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का मतलब है वेक्टर की लंबाई निकल रही है, और किसी वेक्टर की लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, तो इसने खाली 16। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कुछ है नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस याद होनी चाहिए आपको आइडेंटिटी। एक और छोटा सा, इसके बाद आंसर बहुत ध्यान से देना बस। मॉड a वेक्टर दिया हुआ है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 26, अंडर रूट 26। मॉड b वेक्टर दिया हुआ है 7, और मॉड a क्रॉस b दिया हुआ है, इस बार मॉड a क्रॉस b दिया हुआ है भाई, मॉड a क्रॉस b है 35। तो आपसे पूछेंगे ये a डॉट b बताओ, चलो ये निकालो। मॉड a वेक्टर है रूट 26, मॉड b वेक्टर 7, a क्रॉस b का मॉड 35 है, a डॉट b निकालो। करना कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर बस। 35 का 1225, 1225 होता है 35 का स्क्वायर। सर कितना होता है? 1225, 35 का स्क्वायर, 1225 होता है 35 का स्क्वायर। जल्दी से आंसर बोल दो, आप गलत कर रहे हो, अब 0.5 फिर कटेगा, अब प्लस माइनस लगेगा, आप डॉट निकाल रहे हो, देखो ना ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में प्लस माइनस सेवन, इससे मैंने कहा ना दो क्वेश्चन दूंगा, तो दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? पिछले क्वेश्चन में आपने ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाला, यानी मैग्नीट्यूड निकाला, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लंबाई होती है, तो प्लस माइनस 16 नहीं लिखा आपने, खाली 16 लिखा, लेकिन इस बार आप लोग a डॉट b निकाल रहे हो, ये किसी का मैग्नीट्यूड नहीं होता है, ये एक नंबर होता है बस, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो जब आप a डॉट b निकाल रहे हो तो इस बार प्लस माइनस का साइन लगाओगे, अगर 7 लिखोगे तो फिर 0.5 कटेगा। ये बात सही में आई अब? तो मेरे को बता दो इन चारों आंसर में, चार चीजें इस फॉर्मूले के अंदर, किस किस में प्लस माइनस नहीं लगेगा, चार चीजों में से इन तीनों में नहीं लगेगा, सिर्फ प्लस माइनस 7 इसमें लगेगा, कहने का मतलब प्लस माइनस इसके में लगेगा, बाकी किसी में नहीं लगेगा। क्लियर? परसों आपका क्रॉस प्लॉट खत्म हो जाएगा, मंडे से आपकी 3D स्टार्ट हो जाएगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तीन दिन तो चलेगी 3D मिनिमम है, शायद ज्यादा भी चल सकती है, लेकिन हाँ ये वन टाइम में इतना अच्छा हो रहा है कि आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।